देश की राजधानी दिल्ली और NCR में इस पूरे सप्ताह रिमझिम फुहारे पड़ने की संभावना है। कभी यह फुहारे बूंदाबांदी तक सिमट सकती हैं, तो कभी हल्की बारिश में बदल भी सकती हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से 2 अक्टूबर तक के लिए जारी पूर्वानुमान के अनुसार इस दौरान मौसम सुहावना बना रहेगा और तापमान भी सामान्य स्तर के आसपास ही रहने की संभावना है। दूसरी तरफ रविवार को भी दिल्ली में गर्मी के तेवर नरम ही रहे। दिन भर बादलों और सूरज के बीच लुका छिपी चलती रही, कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई। अधिकतम तापमान सामान्य स्तर पर 33.7 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 65 से 92% रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के अनुसार रविवार को भी NCR में सभी जगह की हवा संतोषजनक श्रेणी में ही दर्ज की गई। सफर इंडिया का कहना है कि बारिश का दौर जारी रहने के मद्देनजर अभी अगले कई दिन वायु प्रदूषण में अधिक बदलाव की संभावना नहीं है। उधर सोमवार को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिन भर दिल्ली NCR के आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान विभिन्न इलाकों में हल्की बारिश से लेकर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इस दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान 34 और 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वैसे मौसम में बदलाव और बारिश की संभावना का यह दौर सप्ताह भर तक जारी रहेगा। इसके असर से अधिकतम तापमान भी 33 डिग्री सेल्सियस तक ही रहने की संभावना है। कुल मिलाकर लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। उधर यदि सोमवार को अगर अच्छी बारिश हुई तो सितंबर महीने में इस साल से पहले वर्ष 1944 में हुई अधिक बारिश का यानी 121 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।